आप लोगों ने बचपन में डोरेमोन तो देखा ही होगा। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, हम लोग और डोरेमोन ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस आज हम देखने वाले अपने फेवरेट कार्टून की कुछ खतरनाक मिस्टेक्स को, जिनको आज तक आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने डोरेमोन एंड शिनचैन में इन मिस्टेक्स को नोटिस किया है? जैसे क्यों अक्सर सुनियो का फ्रंट फेस एनिमेटर्स नहीं बनाते हैं? इस एपिसोड में स्पंजबॉब की टाई रेड से ब्लैक क्यों हो गई थी? कैसे एक ही एपिसोड में नोबिता के शूज की ये दो अलग अलग कलर्स एनिमेटर्स का मिस्टेक नहीं बल्कि मजबूरी थी? वैसे यार इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसी भी चीज बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम्हारे पेरेंट्स डोरेमोन देखने से तो बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। तो बने रहने इस वीडियो के एंड तक एंड चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन स्पंजबॉब। तो यार चलो इस वीडियो का स्टार्ट ही हम अपने ढोकले से करते हैं। भाई इसमें निकलोडियन वालों ने भर भर के गलतियां की हैं। जैसे कि इस एपिसोड से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दरअसल इसमें स्पंजबॉब ने ब्लैक कलर की टाई पहनी होती है जो कि भाई उसके डिजाइन से पूरी अलग है क्योंकि वह हमेशा रेड कलर की टाई पहनता है। भाई सही बात है यार, ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। बिल्कुल आप लोग देख सकते हो उसमें ब्लैक कलर की टाई को पहना है, वैसे रेड कलर की पहनता है। लेकिन यार इस सीन के जस्ट थोड़ी देर बाद ही टाई फिर से रेड हो जाती है, यानी कि वो एक पक्का एनिमेशन एरर था। इसके बाद इस एपिसोड में बेबी को सुलाने के लिए स्पंजबॉब अपने पैंट्स को उतार देता है और अंडरवेयर में घूमता है। जिसके बाद ठीक इसके बाद ही वाले सीन में जैसे ही ये बेबी को टेबल पर रखता है तो बस स्प्लिट सेकंड के अंदर इसका पैंट वापस आ जाता है। उसके बाद यार ये वाले एपिसोड को देखो, इसमें जो प्लैंकटन है वो सपने देखता है कि कैसे उसे सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाएगा तो उसका भी रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। और जब वो इस चीज को फैंटेसाइज करता है तो यहाँ पर एक फिश ड्रिंक पी रही होती है और जब आप उसे जूम करोगे तो स्ट्रॉ उसके मुंह में है ही नहीं, यानी कि भाई वो हवा में ही सक कर रहा है। अब भाई ऐसे मिस्टेक्स ढूंढने के लिए तो अल्ट्रा विजन चाहिए ही ना। अब फिर से इसके बाद एक एपिसोड में स्पंजबॉब और मिस्टर क्रैब मजाक मस्ती के लिए किसी के घर में घुस जाते हैं और वहाँ जाकर वो उनके अलमारी को ओपन करते हैं जिसमें कि नॉर्मल अंडरवेयर्स रखी होती हैं। लेकिन जब इसी अंडरवेयर को अलमारी से बाहर निकाला जाता है तो ये अपने आप ही ग्रैनी के शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, साइज चेंज हो रहा है तुरंत। बिल्कुल सही बोला भाई बंदे, एपिसोड बदलो तो सही भी है भाई। कच्चा ही क्यों बदल देते हो, कभी स्पंजबॉब को पैंपस में दिखा देते हो, कभी उसका कच्चा ही बदल देते हो। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो। और ये शायद मिस्टेक ना हो बल्कि उन्होंने ये जानबूझकर ही किया हो क्योंकि ग्रैनी के अंडरवेयर को वेस्टर्न कल्चर में एक जोक की तरह माना जाता है। Eugene, what are you doing with my bloomers? Why did you tell me this was my mother's house? Why didn't you ask? अब इसके बाद आप कुछ इन छोटे मोटे मिस्टेक्स को भी देख लो। जैसे कि इस एपिसोड में बताते हैं कि कैसे स्क्विडवर्ड ने कभी भी क्रैबी पैटी नहीं खाई है, पर फिर एपिसोड के एंड में जब इसी सीन को दिखाया जाता है तो कुछ देर के लिए इसका पूरा मुंह ही गायब हो जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ इस वाले एपिसोड में भी होता है जब इस माइनर का पूरा चेहरा ही गायब हो जाता है। और वही सबसे फनी मिस्टेक तो मुझे यह लगती है कि एक टीवी के ब्रॉडकास्ट में इन्होंने विलन की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी, VIWLAIN होता है ना कि VIWLIN। वैसे मुझे भी गूगल ही सर्च करना पड़ा, पर भाई तुम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हो तो कम से कम स्पेलिंग तो सही लिखो। नंबर टू ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ऑगी एंड द कॉकरोचेस भाई मेरा फेवरेट कार्टून, पहले तो मैं बोल रहा था डोरेमोन, कोई बात नहीं गाइस सारे फेवरेट है मेरे। देखते हैं कि क्या मिस्टेक है इसमें। भर भर के मिस्टेक्स की गई हैं। जैसे कि यह देखो, यहाँ जैक को पुलिस वाले ने पकड़कर बहुत मारा है और मार खाते समय उसका बैकग्राउंड को देख सकते हो जो कि किसी शटर जैसा दिख रहा है। और जब उसके ठीक एक सेकंड बाद ही ऑगी उसे लेने आता है तो भाई इसका पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। और फिर आप इस अंडरवेयर को देखो, यह जादुई कलर चेंजिंग अंडरवेयर, क्योंकि आप देख सकते हो कि बर्ड जो है वो ब्लू कलर के अंडरवेयर पर बैठा था और जैसे ही ऑगी ने इसे खींचा तो फिर बर्ड येलो कलर वाली अंडरवेयर पर आ जाती है। और बस यही नहीं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ जो अलग से तीन अंडरवेयर हैं उनका कलर कौन सा है, और जस्ट उसके अगले ही सीन में उनका कलर पूरी तरह चेंज हो जाता है। नंबर थ्री शिनचैन। ये भी मेरा फोर्थ फेवरेट कार्टून है भाई। सच में भाई अगर मैं सबसे ज्यादा किसी कार्टून को देख के हंसता था तो वो भाई ये शिनचैन कार्टून ही है। सच में भाई इसमें जो शिनचैन है वो इतना मजे दिलाता है, इसकी उल्टी सीधी हरकतें ही मजे दिलाती है। इसकी एक छोटी बहन भी होती है हिमा, इसकी जो आवाज होती है वो बहुत अच्छी लगती है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रास्ते से हट जाइए, अगर मेरी मम को गुस्सा आ गया तो वो ट्रेन में गोली बरसा देंगी। भाई अगर शिनचैन के एक एक एपिसोड को देखा जाए तो उसके हर एपिसोड में कोई ना कोई मिस्टेक निकल ही जाता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी एरर होता रहता है भाई। और प्लस जो जापान वाले एनिमे इंडिया में डब होते हैं उनमें थोड़े बहुत ऑडियो मिस्टेक्स भी होते हैं। जैसे कि जरा इस सीन को देखो जिसमें जब शिनचैन नैनाको दीदी की तारीफ करता है और उसके बाद नैनाको दीदी का एक डायलॉग होता है जो कि वह बोलती तो है पर उनका मुंह नहीं हिलता। और अगर आप इसे एनिमेशन एरर समझ रहे हो तो भाई आप गलत हो, शायद ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज में यहाँ पर नैनाको दीदी के पास कोई डायलॉग ही नहीं होगा, पर जब इसे हिंदी डब किया गया तो कई चीजों को कवर अप करने के लिए शायद यहाँ पर डायलॉग को इंसर्ट किया गया होगा। अरे नैनाको दीदी आप तो बहुत ही इनामदार हैं।
शायद तुम ईमानदार कहना चाहते हो शिनचैन। वो भी कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई पकड़ लिया बंदे ने, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा यार, डिटेक्टिव बन सकता। वैसे शायद ये डायलॉग यहाँ पर इंसर्ट नहीं भी होता तो काम चल नहीं जाता भाई। वैसे यार ऐसा सिर्फ शिनचैन में नहीं बल्कि डोरेमोन में भी कई बार देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जब नोबिता की मॉम उसका एक बार टेस्ट स्कोर चेक कर रही होती है तो वो बोलती तो है पर उनका मुँह नहीं हिलता। ये जरूर इसका टेस्ट पेपर होगा जो इसने मुझसे छुपाया है। वैसे भाई अगर दूसरे भाई ऐसा थोड़ी ना, वो तो मन में बोल रही थी ना, टेस्ट पेपर उठा रही है ना मम्मी, तो मम्मी मन में बोल रही है कि इसने पक्का टेस्ट पेपर छुपाया होगा, दैट्स इट, क्योंकि वो तो हमेशा टेस्ट पेपर छुपाता है क्योंकि जीरो नंबर जो लाता है। पूरा दिमाग लगाया जाए तो मे भी ये शायद उनकी मन की आवाज होगी। ओह माय गॉड। नंबर 4 डोरेमोन। हमारे बाकी कार्टून एंड एनिमे की तरह इसमें भी काफी सारे मिस्टेक्स हैं। जैसे सबसे सिंपल एंड मेन क्वेश्चन तो ये है कि अगर डोरेमोन के पास एनिवर डोर है तो वो कहीं जाने के लिए अपना बम्बू कॉप्टर क्यों निकालता है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ओके तो आज सिर्फ मैं बुक्स एंड डेस्क की ही बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसके मिस्टेक्स तो डोरेमोन में आपको भर भर के मिल जाएंगे भाई। जैसे कि डोरेमोन के सीजन 5 के एपिसोड 7 की ही बात कर लो, जहाँ एपिसोड के शुरुआत में सबसे ऊपर वायलेट बुक्स होते हैं, वहीं एपिसोड के बीच में वो ब्राउन बुक्स में बदल जाते हैं। सिमिलरली इंडेक्स वाले सीन को देखो, दोनों ही सेम एपिसोड नंबर 7 के हैं बट बुक्स से लेकर पेन होल्डर्स में रखे पेन सब चेंज्ड हैं भाई। अब यार वैसे देखो तो कोई भी कार्टून देखने से मना करे तो फिर आप अपने पेरेंट्स की बात मान लेना, बट डोरेमोन के केस में तुम उन्हें ये न्यूज दिखा सकते हो जिसे पक्का वो तुम्हें डोरेमोन देखने से नहीं रोकने वाले। तो एक न्यूज के अकॉर्डिंग जनवरी 2023 में ही 6 साल का एक बच्चा अर्थक्वेक में अपनी जान डोरेमोन शो को देखकर बचाया था। सच में? हाँ। होगे तो एक एपिसोड में नोबिता को 100 मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ यार सुनकर भाई ऐसा होता है क्या? एपिसोड को देख के किसी की जान बचा ली? बिल्कुल भाई हो सकता है, हम लोग मूवी देख के भाई हीरो बनने नहीं जाते। केजीएफ देखने के बाद मुझे भी भाई जोश चढ़ गया कि भाई मैं भी जाता हूँ तबाही करने के लिए, रॉकी ओकी बन जाता हूँ। बट मुझे पता है कि आप अगर रॉकी बनने की कोशिश करोगे तो पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। होगे तो एक एपिसोड में नोबिता को 100 मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ यार सुनकर यकीन नहीं होता और नोबिता को भी यकीन नहीं हुआ था, और इसलिए जब वो टीचर से यह पूछने गया था तो उसके शूज का कलर व्हाइट होता है, लेकिन फिर जब वो खुश होकर घर जा रहा होता है तो उस सीन में उसके शूज का कलर ब्राउन हो जाता है। अब देखो अगर डोरेमोन इंडिया में बना होता तो फिर इसे मिस्टेक कह सकते थे, और शायद ये बात आपने भी गौर किया होगा कि अधिकतर जापानीज एनिमे में स्कूल के अंदर एंट्री करते ही सारे बच्चे एक इंडोर शूज पहन लेते हैं एंड अपने ओरिजिनल शूज को लॉकर्स में डाल देते हैं ताकि बाहर की डर्ट स्कूल के अंदर ना जा पाए। फिर इसी एपिसोड में एक टेलीविजन शो का इंटरव्यू दिखाया जाता है और वहाँ पर सुनियो होता है और उसके आसपास दूसरा कोई भी बैकग्राउंड में नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही सीन दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो सुनियो के बाजू में एक सेफ आ जाता है अपनी मछली लेकर, और सबसे पहले सुनियो के पीछे जियान के जगह पर एक जियान जैसा ही दिखने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है। ओ भाई, सिर्फ कार्टून में ही नहीं बट रियल लाइफ वाले सस्ते डोरेमोन में भी। आप जरा इस ब्लंडर मिस्टेक को देखो, मतलब बंदे ने बॉडी को सीधा और सिर को उल्टा पहन लिया है। एक मिनट, या फिर शायद इसका उल्टा। बट हाँ, पिछवाड़े की तरफ फेस नहीं होता, इसको देखो भाई फेस पिछवाड़े की तरफ कर रखा है। अगर उसको गैजेट निकालना होगा तो कैसे करेगा वो? गैजेट के लिए पीछे हाथ करेगा, मतलब कुछ भी। अच्छा तुमने फिनियस के जैसा ही सुनियो का फ्रंट फेस देखा है? आई बट शायद ही देखा होगा क्योंकि जब एक बार एनिमेटर्स ने उसके फ्रंट फेस को भी बनाया था तो उसमें ये ब्लंडर कर दिया था, और वह सिर्फ इसी एक सीन में नहीं बल्कि डोरेमोन के एनिमेटर्स ने और भी कई सारे सीन्स का ऐसा ब्लंडर किया है कि भाई मत पूछो। जैसे कि एक सीन में तो पता ही नहीं चल रहा कि नोबिता की मॉम नोबिता से भाग क्यों रही है, एंड उसमें भी डोरेमोन से इनका सर एक्सचेंज कैसे हो रखा है भाई? हाँ फिर पता नहीं डोरेमोन अपने दांतों के साथ इस सीन में क्या करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सेम चीज फिर यहाँ जियान एंड सुनियो साथ हुआ है जो कि भाई देखने में काफी फनी है। अब जरा आप नोबिता के इस थम्स डाउन वाले सीन को देखो भाई, सच में नोबिता एंड नारुतो को देखते समय कभी भी अपना फ्रेम पॉज मत कर लेना, वरना ऐसे फनी सीन्स आपको मिल ही जाएंगे जो कि आपको हंसा हंसा कर पेट में दर्द भी दे सकते हैं। वैसे नारुतो से याद आया मुझे इस रामेन गाय के बारे में, तो अगर आप व्हाट द फैक्ट के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैंने एक वीडियो में इस रामेन गाय की कहानी बताई थी जो कि भाई कई अलग अलग एनिमे में अपना दर्शन दे चुका है। एंड भाई पता है मजेदार बात क्या है, मैं हाल ही में जब नारुतो भी देख रहा था तो उसमें भी एक सीन में ये बंदर नजर आता है। वाह, ऐसे अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हो इसके मिस्ट्री को। और अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। नोबिता जब जियान और सुनियो से बहुत बुरी तरह पिटा रहा होता है तो सिजुका भी लाइक यार कम से कम उसको रोकने के लिए बोलना तो चाहिए ना। बिल्कुल।
नोबिता इन मूवीज अपनी जान दांव पर लगाकर भी एलियन मॉन्स्टर और क्रिमिनल यहाँ तक कि गॉड से भी लड़ जाता है। नोबिता इन द सीरीज डोरेमोन मेरी मदद करो, जिया ने मुझे फिर से मार दिया। सिम्पसन्स प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, डोरेमोन प्रिडिक्टिंग इनोवेशन सिंस 1969। सही बात है भाई, सारे क्रेडिट सिम्पसन्स को ही क्यों, डोरेमोन ने भी बहुत से गैजेट्स को प्रिडिक्ट कर रखा है जिसको मैंने इस वाले वीडियो में भी बताया है। मांगा एनिमे नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन, भाई सच में डोरेमोन का नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन नहीं बने तो ही बेहतर है। ये नेटफ्लिक्स वाले भी ना, खिलौने के दुकान में बच्चे जब उनको अपना मन पसंद तक खिलौना नहीं मिलता। मैं भी ऐसी करता था भाई। आप करते थे कि नहीं करते थे? मैं तो भाई लेट जाता था, तो मेरी नजर सिर्फ खिलौनों पे रहती थी। और भाई जो खिलौना मुझे पसंद आ गया तो मैं उसको पहले तो बोलूंगा मम्मी से कि भाई मम्मी मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और जब मम्मी मना कर देंगी तो फिर मैं रोने लग जाता हूँ। तो गाइस ये वीडियो खत्म हो चुकी है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है वो तो जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।